हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राज शर्मा फ्रॉम स्किल्स ऑटोमोबाइल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही ही होंगे इस कोरोना वायरस की महामारी से। काफ़ी लंबा वक्त हो गया हम लोग घरों के अंदर रहे हैं और अभी शायद कुछ और वक्त रहना भी पड़े। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, आई नो कि बहुत सारे कार ऑनर्स ये वेट कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुले और मैं अपनी कार रिपेयर या सर्विसिंग के लिए भेजूं। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं एंड माय प्रीशियस कस्टमर्स आर वेटिंग कि राज भाई जैसे ही खुलेगा ना देन आई विल कम। सो उनकी कुछ गाइडलाइंस अभी हैं कार गैरेज वालों की, तो वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एज ए कार ओनर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या गाइडलाइंस हैं। क्योंकि अगर सपोज़ जो भी आपकी कार रिपेयर या सर्विस कर रहा है, अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है या हो सकता है उसे गाइडलाइंस ना पता हो, तो आप उसे बता सकें। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर कार, इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी। सो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक चीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए, नंबर वन कि आप लोग खुद कार गैरेजेस पर ना जाएँ, आप उन्हें कहें कि पिकअप एंड ड्रॉप करें। क्योंकि वैसे भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अभी होने वाला क्या है कि कस्टमर लाउंज, जो कस्टमर के बैठने के लिए जगह होती है, उसे बंद कर दी जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि एक ही सोफे के ऊपर 10 लोग आकर बैठेंगे। सो इससे क्या है कि थोड़ा सेफ्टी इशू आता है आप लोगों की हेल्थ इशू के लेते हुए। तो जहाँ तक मेरे ख्याल है बंद कर दिए जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जो भी बंदा आपकी कार पिकअप करे, मेक श्योर कि उसने फेस मास्क पहना हो एंड आपकी जो सीट होगी ड्राइवर सीट, कोशिश कीजिए वो किसी चीज़ से वो खुद कवर करके लेके जाए, डायरेक्टली उस सीट पर ना बैठे। एंड उसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये कि आपकी जो कार की चाबी होगी वो डायरेक्टली अपने हाथों से टच नहीं करेगा, वो या तो कोई टिश्यू पेपर यूज़ करेगा या फिर कोई कैरी बैग लेगा, कैरी बैग के अंदर डालेगा और एक छोटा सा कैरी बैग में छेद करके डायरेक्टली वो हिस्सा कार को लगाएगा। एंड उसके बाद जब आपकी कार पिकअप हो जाए, तो जो भी गाड़ी का काम है, सपोज़ आप सर्विसिंग करा रहे हैं, सो मेक श्योर कि वो लोग जो भी जगह है, कार गैरेज है अपना या जो भी जहाँ भी आपके मनपसंद जगह है, कोशिश कीजिए आप उन्हें कहिए कि वो जो स्पेस है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन रखें। जितना क्लीन रहेगा उतनी सेफ्टी आप लोगों के लिए रहेगी। एंड इसमें और जो चीज़ें हैं कि जब वो आपकी कार ड्रॉप करने आएगा, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ न्यू गाइडलाइंस हैं। एंड स्पेशली जब आप कार सर्विस करा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपका जो कार का हम लोग इंटीरियर क्लीन करते थे, वी यूज़ टू डू के लाइक शैम्पू पानी लिया या कोई लिक्विड लिया एंड हमने कार की सीट साफ़ कर दिया, डैशबोर्ड साफ़ कर दिया एंड कार का इंटीरियर क्लीनिंग हो गया। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब सब कुछ यूजुअल पहले जैसा नहीं रह गया है, बहुत कुछ बदल गया है। सो वो जो बदलाव है उसके बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन रखें तो ज़्यादा बेहतर। जैसे कि हम पहले जब कार सर्विस करते थे, यूजुअल इंटीरियर क्लीनिंग करते थे, जिसमें कोई लिक्विड या कोई शैम्पू से हम इंटीरियर क्लीन करते थे, सीट साफ़ करते थे, वैक्यूमिंग करते थे एंड डैशबोर्ड पे कपड़ा मार देते थे, गीला कपड़ा या साफ़ कर देते थे, डैशबोर्ड पॉलिश लगा दी थी। बट अभी सब कुछ वैसा नहीं है, काफ़ी कुछ बदल गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन, जैसे अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मेरे पास जो भी कार सर्विसिंग के लिए आएगी, उसमें बेसिक एक चीज़ रहेगी विच इज़ वी कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल इंटीरियर क्लीनिंग। उसमें क्या होता है कि लाइक इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँ कि आपकी कार इंटीरियर जो होगा वो सैनिटाइज्ड होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कार का इंटीरियर जो है, आपकी कार का इंटीरियर टोटल सैनिटाइज्ड होगा, डैशबोर्ड, गियर नॉब, डोर हैंडल्स, एवरीथिंग विल बी सैनिटाइज्ड। सो मेरे साथ है कि वी हैव मेड अ फॉर्मूला, वी हैव लिक्विड एंड मैंने काफ़ी स्टडी करके वो पूरा फॉर्मूला बनाया है। सो वो जर्म्स के लिए काफ़ी अच्छा है, वायरसेस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्लीनिंग होगा, होपफुली उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड सेकंड चीज़ की सर्विस जब हम करते हैं, पहले तो हम जैसे कैबिन फिल्टर जो होता है, एसी का जो फिल्टर होता है, हम लोग उसको
क्लीन कर देते हैं, बट मेक श्योर कि आप चेंज करें जो भी अभी आप लॉकडाउन खुलने के बाद या जब भी आप अपनी कार की सर्विस करें, सो मेक श्योर कि केबिन फिल्टर चेंज हो, क्योंकि क्या है कि आप एसी ऑन करेंगे और गाड़ी इतने वक्त से खड़ी है, दुनिया भर के लाइक इन्फेक्शन बैक्टीरियाज पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर होगा, जैसे आप एसी ऑन करेंगे तो सब इनहेल करेंगे क्योंकि जो ब्लो होता है एयर का सब वहीं से ऊपर निकलता है फिल्टर से। फिल्टर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे कस्टमर्स की गाड़ी का एसी फिल्टर गंदा ही रहता है, वो कभी चेंज ही नहीं कराते क्योंकि मैंने देखा मैकेनिक्स बताते ही नहीं कि सर केबिन फिल्टर भी होता है उसको चेंज कर दो, लोग क्लीन भी नहीं करते, चेंज करना तो दूर की बात है, बट वी शुड डू दैट, अभी चेंज ही करना है, मेक श्योर कि चेंज करना है। एंड जब आपकी गाड़ी वहाँ से आएगी पूरे काम होने के बाद, सर्विस होने के बाद, अगर आपको इनवॉइस चाहिए सो मेक श्योर कि आप ई बिल लें, पीडीएफ फाइल वगैरह लें, आप पेपर डील ना करें, एंड सेम थिंग विद द मनी, कोशिश करें कि आप ऑनलाइन करें, जो भी आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, सो सेफ रहता है, मतलब जो वर्कर है उसके लिए भी सेफ रहता है और आप लोगों के लिए भी सेफ ही रहता है। सपोज़ आपने कुछ पैसा दिया और कुछ उसने चेंज दिया, सो मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्टैक्ट लेस पूरा काम होना चाहिए, अभी होगा और होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, सबकी सेफ्टी बहुत वैल्यू रखती है। सो और जब अगर सपोज़ अगर मैं आपकी कार डिलीवर करने आपके डोर पर आ रहा हूँ कि सर आपकी गाड़ी का काम हो गया है एंड मैं आपको आपकी कार दे रहा हूँ, आपकी कार की चाबी दे रहा हूँ, सो अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन देर आर सम चेंजेस, सो चेंजेस हैं जैसे कि अगर मैं आपकी कार से बाहर निकल रहा हूँ, मेरे हाथ में चाबी है, तो मेरा काम है कि इंटीरियर तो मैं एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग सैनिटाइजेशन सब कुछ हो गया था, बट स्टिल जब मैं आपके हाथ में आपकी कार हैंडओवर कर रहा हूँ उस वक्त पर मैं क्योंकि कार चला कर लेकर आया हूँ, सो उस वक्त पर मुझे आई मेक श्योर कि जितने भी टच पॉइंट्स होते हैं कार के, सपोज गियर नॉब, एसी का नॉब हो गया, डोर के हैंडल का नॉब हो गया, स्टेयरिंग हो गया, हॉर्न का हो गया, सो ऐसे जो रेगुलर टच पॉइंट्स होते हैं जब एक ड्राइवर कार चलाता है तो क्या क्या चीज़ें टच करता है यूजुअली, तो आपके हाथ में हैंडओवर करने से पहले आपकी चाबी हम लोग उस टच पॉइंट्स को सैनिटाइज करेंगे आपके सामने कि मैं चला कर आया था, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच एज अ ड्राइवर वी शुड चेंज लाइक वी टच, और सो मैं उन सब चीज़ों को सैनिटाइज करता हूँ, जो आपकी चाबी है उसको भी थोड़ा सैनिटाइज करके लाइक फिर आपको दिया जाएगा। सो दीज आर द न्यू गाइडलाइंस एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, बस मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप कि बाकी के जो गैरेजेस हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें, एंड आप भी ध्यान दें कि आप गाड़ी जब रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि मैं किसी का अगेंस्ट नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा भी कोई बहुत बड़ा कार का सर्विस सेंटर नहीं है, मैं भी एक छोटा सा कार गैरेज चलाता हूँ, बट जो भी हो वो नीट एंड क्लीन हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट यू एंड इट्स ऑल अबाउट एवरीवन, बिकॉज सेफ्टी के बारे में हमें पहले से ज़्यादा ध्यान देना है, हमें इस कोरोना वायरस ने ये तो सिखा दिया कि हाइजीन क्या होता है, पर हमें हाइजीन का कितना ध्यान रखना है, सो बस आपको उस हाइजीन का ही ध्यान रखना है एंड मेक श्योर कि जो भी मैकेनिक्स हैं वो जब आपके पास आए तो ग्लव्स पहने, मास्क हो उनके पास, टिश्यू पेपर्स हो, हैंड सैनिटाइजर्स हो, एंड इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि ऐड होनी है कि सपोज़ इन केस अगर आप हमारे गैरेज पर आते हैं अपनी कार लेकर तो क्या रूल्स होंगे, तो अगर आप सपोज़ अगर आप अपनी कार मेरे पास लेकर आए तो हम सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करेंगे एंड अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ही आपकी कार ली जाएगी, अदरवाइज़ शायद हम आपकी कार ना ले पाए और सेफ़ भी नहीं होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सो बेटर ये है कि यू डोंट विजिट वर्कशॉप्स, दैट वुड बी मच बेटर, एंड या व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपेरेंसी ऑफकोर्स एवरी कार ओनर थिंक कि बॉस मैंने कार तो दी है रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए, आई डोंट नो क्या कर दे रहे हैं, सो इन दैट केस लाइक यू कैन आस्क देम कि सेंड मी एवरीथिंग, ऑल द पिक्चर्स ऑफ what you are changing, what you are not doing, what have you done, what are the parts,
सो ये सब चीज़ें। एंड हाँ, मेक श्योर कि जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे कार गैरेज पे जो भी अगर मैं काम करने के लिए गाड़ी आती है, कुछ रिपेयर किया, सो जितने भी ओल्ड पार्ट होते थे हम वो कार के डिक्की में डालकर कस्टमर को रिटर्न दे देते थे। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ। एंड यू कैन आस्क अदर मैकेनिक्स के बॉस मुझे पुराने पार्ट्स नहीं चाहिए, बट यू कैन लाइक कॉल ऑन वीडियो कॉल, एंड वीडियो कॉल करके यू कैन सी ऑल द पार्ट्स के बॉस ये मेरे पुराने पार्ट्स हैं और ये मेरे नए पार्ट्स लगे हैं, और वो वीडियो फोटोज़ तो हम लोग वैसे भी भेज ही देते हैं। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी आप जब मार्केट खुलेगी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं पता चलते रहेंगी। एंड थैंक यू गाइस, और काफ़ी वीडियो शायद बड़ा भी होगा होगा, बट बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एज ए कार ओनर आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़।